हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रश्मि, असिस्टेंट प्रोफेसर NASPG कॉलेज मेरठ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग BA सेकेंड ईयर CCS यूनिवर्सिटी सिलेबस यूनिट थर्ड लिटरेरी टर्म्स को डिस्कस करेंगे, और यूनिट थर्ड लिटरेरी टर्म्स का ये पार्ट वन है। ठीक है, जो भी आज के लेक्चर के बाद कुछ टर्म्स जो भी रहेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो टर्म है लिटरेरी टर्म्स में, सबसे पहला टॉपिक है फ्लैशबैक। फ्लैशबैक क्या है? फ्लैशबैक इज अ लिटरेरी टेक्निक यूज्ड इन नॉवेल्स एंड अदर नैरेटिव्स इन विच द प्रेजेंट स्टोरी ट्रांजिशंस इन टू अ सीन फ्रॉम द पास्ट। इट इज ओकेजनली यूज्ड बाय द ऑथर्स एज एन इंटरप्शन इन एन इवेंट्स क्रोनोलॉजिकल और प्रेजेंट सीक्वेंस। जो फ्लैशबैक है ये एक लिटरेरी टेक्निक है जो कि नॉवेल्स या फिर ड्रामास या अदर स्टोरीज में यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो प्रेजेंट में जो आपकी कहानी चल रही है उसके कभी-कभी कुछ सीन जो है वो पास्ट में चले जाते हैं, यानी बीच-बीच में पास्ट का इंटरप्शन चलता रहता है। और फ्लैशबैक टेक्निक को वैसे बेसिकली यूज किया जाता है जस्ट टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट, यानी कहानी का जो कथानक है, जो प्लॉट है, उसको थोड़ा कठिन बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो ऑथर्स है, जो लेखक है, वो फ्लैशबैक टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो सारी जो घटनाएं हैं वो एक दूसरे को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। यहीं पे इसी में अगर आपके बीच बीच में जो पास्ट के इवेंट्स है जब वो रिकरेंट होते रहते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, तो इट मीन्स जो पोएट है, जो राइटर है या जो भी लेखक है वो फ्लैशबैक टेक्निक का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एमिली ब्रॉन्टे नॉवल वुथरिंग हाइट और आर्थर मिलर का एक प्ले है डेथ ऑफ अ सेल्समैन। एमिली ब्रॉन्टे जो कि विक्टोरियन नॉवलिस्ट हैं, उनका एक ये नॉवल है, बहुत फेमस नॉवल है वुदरिंग हाइट्स। तो जब आप इस कहानी को पढ़ते हैं तो कहानी प्रेजेंट से शुरू होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे जो कहानी की जो घटनाएं हैं, जो नरेटर है वो पास्ट के इवेंट्स को नरेट करते हुए आगे बढ़ता है। फ्लैशबैक यानी पास्ट की मेमोरी से कुछ घटनाओं का दिखाया जाना। इसी के साथ एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया है आर्थर मिलर का, जो कि एक अमेरिकन ड्रामेटिस्ट है। उन्होंने एक प्ले लिखा है डेथ ऑफ ए सेल्समैन। इसमें भी एक जो इसका कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर विली लॉमन, तो जब भी वो अपनी चेयर पे बैठते हैं तो उनके ऊपर एक लाइट जो पड़ती है उससे पता चलता है कि नाउ ही हैज गॉन टू हिज पास्ट, कि अब वो अपने पास्ट की जो भी मेमोरीज है वो उनको रिकॉल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो इट मीन्स वहां पे जो लेखक है वो फ्लैशबैक टेक्निक को यूज कर रहे हैं। देखिए, ये आपके बुक से एक एग्जांपल है। इसी में हम अगर थोड़ा सा प्रेजेंट में अगर इसको ऐड करके चले तो जैसे एक मूवी है आपने देखा होगा 3 इडियट्स, तो उसमें जब मूवी में कहानी शुरू होती है तो प्रेजेंट से कहानी शुरू होती है। जो उसमें नरेटर है, जो कैरेक्टर है नरेटर फरान, तो वो अपने दोस्त की, अपने कॉलेज की कुछ मेमोरीज को रिकॉल करता है ना, तो कहानी फ्लैशबैक में जाती रहती है बीच बीच में, यानी पूरी जो कहानी है, जो फिल्म की जो स्टोरी है वो फ्लैशबैक में चलती है ना। तो इसको हम कहते हैं फ्लैशबैक टेक्निक, यानी प्रेजेंट जो घटनाएं आपकी, आप जो कहानी पढ़ रहे हैं उसमें जब बीच बीच में जब कहानी में पास्ट की घटनाओं का इंटरप्शन चलता है, अक्रेंस चलता है, तो इट मीन्स दे आर द राइटर यूजिंग द टेक्निक फ्लैशबैक टेक्निक। ठीक है, और ऐसा जो लेखक है वो कथानक को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए थोड़ा सा उसको
एक नई टेक्निक यूज करने के लिए वो उसको बेसिकली यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका है फ्लैशबैक टेक्निक। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फॉयल। फॉयल एज अ लिटरेरी डिवाइस डिजाइन बाय द ऑथर्स जस्ट टू रिवील इंफॉर्मेशन, ट्रेट्स, वैल्यूज, इंटेंशंस ऑफ वन पर्सन थ्रू विच अ कंपैरिजन और कंट्रास्ट कैन बी मेड टू अनदर पर्सन। जो फॉयल है इसको हम लिटरेरी डिवाइस के रूप में प्रयोग करते हैं, एंड इसका जो मेन पर्पस है, इट इज यूज्ड बाय द ऑथर्स जस्ट टू रिवील इंफॉर्मेशन, इंटेंशन, वैल्यूज एंड स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। हाउएवर दिस इज एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ डेवलपिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कैरेक्टर बाय इम्फेसाइजिंग देयर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फॉयल जिसका एक तरीके से हम एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में इसको हम यूज करते हैं। फॉयल जो है किसी कैरेक्टर के वीकनेसेस, स्ट्रेंथ्स उसको दिखाने के लिए ऑपोजिट कैरेक्टर से कंपेयर करके दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल द कैरेक्टर फ्रैंकस्टीन ऑफ मैरी शैले। मैरी शैले का एक गॉथिक नॉवल है फ्रैंकस्टेन, तो इसमें एक कैरेक्टर है विक्टर फ्रैंकस्टेन जो कि एक क्रिएचर, एक रोबोट टाइप का एक क्रिएचर वो बनाता है जिसका नाम वो रखता है फ्रैंकस्टेन। लेकिन वही जो फ्रैंकस्टेन है वो बनने के बाद इतना डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है कि वो अपने ही मास्टर विक्टर फ्रैंकस्टेन को जान से मार देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रैंकस्टीन का कैरेक्टर है वो विक्टर फ्रैंकस्टीन के ऑपोजिट में दिखाया गया है, राइट? यानी विक्टर फ्रैंकस्टीन जो कि एक मास्टर के रूप में जिसमें अच्छी क्वालिटीज हैं, उसी के साथ वो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका फ्रैंकस्टीन, उसकी नेगेटिव क्वालिटीज यानी उसकी जो वीकनेसेस है या स्ट्रेंथ्स है उनको दिखाने के लिए फॉयल को एज अ लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जेन ऑस्टिन का एक नॉवल है प्राइड एंड प्रेजुडाइस, जिसमें दो कैरेक्टर है डार्सी एंड विकेम। जो फिट्ज विलियम डार्सी है वो एक गुड पर्सन है, जबकि जो विकेम है वो एक विलन की तरह मतलब रोल करता है, विलन की तरह उसको दिखाया गया है। ठीक है, तो दोनों कैरेक्टर की जो विशेषताएं हैं उनकी जो कैरेक्टर की जो पर्सनालिटी की जो क्वालिटीज है उनको हाईलाइट करने के लिए फॉयल को एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए डार्सी जो है वो अच्छा कैरेक्टर है, विकिम जो है वो एक विलन है, अगर हम विकिम को नॉवल से हटा दें तो हम डार्सी की अच्छी क्वालिटीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इट मींस जब आप किसी ऑपोजिट कैरेक्टर को रख के उसमें कुछ नेगेटिव क्वालिटीज दिखाते हैं तो सामने वाले कैरेक्टर में हम अच्छाइयाँ ढूंढते हैं। ठीक है, तो जो फॉयल है ये एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज किया जाता है, जिससे जो ऑथर है यानी लेखक जो है वो दूसरे कैरेक्टर की वैल्यूज, इंटेंशन, इन्फॉर्मेशन और ट्रेट्स यानी जो भी उसकी क्वालिटीज है उसको हाईलाइट करता है। तो ये हम कंपैरिजन करके या कंट्रास्ट करके दिखाते हैं। तो ये आपकी टेक्निक है फॉयल, जिसको हम कहते हैं चमक एक तरीके से, यानी हाईलाइट करना, चीजों को रिवील करना, दिखाना। नेक्स्ट टर्म है फोरशैडोइंग। फॉर ए शेडोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग दैट विल हैपन इन द फ्यूचर, ऑफन यूज एज अ लिटरेरी डिवाइस टू हिंट और एल्यूड द फ्यूचर प्लॉट। जो ये आपका लिटरेरी टर्म है फॉर शेडोइंग,
ये एक इंडिकेशन है, एक एक पॉइंट करता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। और बेसिकली इसको हम एज अ लिटरेरी डिवाइस यूज करते हैं टू हिंट और टू इंडिकेट द फ्यूचर प्लॉट, कि फ्यूचर में कहानी में क्या हो सकता है ना। जैसे बहुत बार हम कोई मूवी देख रहे हैं या कोई प्ले देख रहे हैं तो हमें समझ में आ जाता है घटनाओं को देख के कि आगे इसमें क्या हो सकता है, ठीक है। तो यही हमारी जो ये टर्म है फोरशेडोइंग, इसका मीनिंग भी यही है कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को संकेत करना या फिर उनको इंडिकेट करना। द वर्ड फोर शेडोइंग इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, फोरे विच मीन्स बिफोर एंड शेडोइंग विच मीन्स अ वेग आउटलाइन। जो ये वर्ड है आपका फोर शेडोइंग, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर मान लीजिए हम इसको दो डिवाइड करें टू पार्ट में, तो फोरे इट मीन्स बिफोर, शेडोइंग इट मीन्स वेग आउटलाइन, यानी पहले से कोई चीज निर्धारित कर देना, है ना। तो इट इज यूज्ड एज अ डिवाइस टू सजेस्ट द हैपनिंग ऑफ द फ्यूचर इवेंट। तो फोर शेडोइंग क्या है, ये एक डिवाइस है जो कि फ्यूचर प्लॉट को, फ्यूचर की घटनाओं को संकेतित करता है या फिर सुझाता है या फिर एक तरीके से कहते हैं इंडिकेट करता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है ओथेलो, जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उसमें एक सीन आता है हैंडकरचीफ का, रुमाल का। तो इसमें क्या आता है, हियर शेक्सपियर हाइलाइट्स द प्रीसियसनेस ऑफ हैंडकरचीफ व्हिच वाज गिवन टू ओथेलो बाय हिज मदर। जो ये हैंडकरचीफ है इसका एक स्पेशल रोल दिखाया हुआ है, रोल इन द सेंस कि जो ये हैंडकरचीफ है, रुमाल जो है, ये ओथेलो को उसकी मदर गिफ्ट करती है, ठीक है। मरने से पहले ओथेलो को उसकी मदर ये रुमाल देती है और यही हैंडकरचीफ ओथेलो अपनी वाइफ डेस्टिमोना को गिफ्ट करता है एज अ टोकन ऑफ लव। बट बाय मिस्टेकनली जो डेस्टिमोना है वो इसको मतलब उससे ये खो जाता है, जिसको बाद में इयागो एज अ टूल यूज करता है जस्ट टू डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ ओथेलो। ओथेलो की लाइफ को बर्बाद करने के लिए, नष्ट करने के लिए इयागो जो है वो इस रुमाल को एज अ टूल यूज करता है, ठीक है। तो जब ये रुमाल जो है गुम हो जाता है, तो उससे जो रीडर्स हैं, जो ऑडियंस है, उसको समझ में आता है कि शायद फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है ना। तो इट मीन्स वहां पे जो रुमाल है वो उसको एज अ फोर शेडोइंग यूज किया गया है, एज अ फोर शेडोइंग लिटरेरी डिवाइस वहां पे यूज किया गया है, क्योंकि उससे हम फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का एक अंदाजा लगा लेते हैं कि हाँ आगे फ्यूचर में ये घटना हो सकती है, ठीक है। तो ये फोर शेडोइंग आपकी एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि फ्यूचर में होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करता है और हिंट देता है उसके बारे में। नेक्स्ट आपका टर्म है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस जिसको हम प्राइड भी कहते हैं, घमंड भी कहते हैं। ह्यूब्रिस इज ए वर्ड विद ग्रीक रूट्स यूज्ड बाय एरिस्टोटल इन हिज वर्क पोएटिक्स। जो ये वर्ड है ह्यूब्रिस, ये एरिस्टोटल जिनको हम अरस्तु कहते हैं, उन्होंने अपने वर्क पोएटिक्स में इसका यूज किया है। इट मीन्स एरोगेंस एंड एक्सेसिव प्राइड, यानी बहुत ज्यादा घमंड और बहुत ज्यादा जो घमंडी लोग होते हैं उनमें ये ह्यूब्रिस देखा जाता है। इट इज यूजली यूज्ड एज अ लिटरेरी डिवाइस एग्जिबिटेड बाय अ ट्रेजिक हीरो एज हिज ट्रेजिक फ्लॉ। यानी जब आप कोई ड्रामा पढ़ते हैं, कोई ट्रेजेडी पढ़ते हैं, तो जो ट्रेजिक हीरो होता है उसमें ये नेगेटिव क्वालिटी को इंडिकेट करता है ह्यूब्रिस, यानी उसका ये एक ट्रेजिक फ्लॉ हो सकता है। इन अदर वर्ड इट इज ए नेगेटिव क्वालिटी ऑफ अ कैरेक्टर व्हिच लीड्स हिम टू हिज डाउनफॉल फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, कि किसी कैरेक्टर की लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, यानी एक उच्च पद से व्यक्ति की जो
उच्च जो पद है वो एकदम खत्म हो जाता है और वो एकदम अपनी एडवर्सिटी यानी एकदम अपनी रिवर्स सिचुएशन में पहुंच जाता है और फाइनली उसकी लाइफ का एक ट्रेजिक एंड होता है। तो ह्यूब्रिस जो है वो बेसिकली ट्रेजिडीज में देखा जाता है, जो ट्रेजिक हीरो की एक ट्रेजिक फ्लॉ यानी एक वीकनेस के रूप में हम इसको देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल विलियम शेक्सपियर का जो एक प्ले है मैकबेथ और जॉन मिल्टन का इसमें पैराडाइज लॉस्ट से एक कैरेक्टर लिया है सैटर्न। तो ये दो कैरेक्टर है मैकबेथ और सैटर्न, इनमें ये ह्यूब्रिस जो एक नेगेटिव क्वालिटी है वो देखी जा सकती है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ का जो है वो एक ट्रेजिक अंत होता है। ठीक है, तो आज के इस पार्ट वन में हमने ये कुछ टर्म्स डिस्कस किए हैं। आगे पार्ट सेकंड में बाकी जो बचे हुए जो टर्म्स हैं हम बाकी सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो होप कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई आपकी कोई क्वेरी है या कोई आपकी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ यू कैन राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। तो आप देखते रहिए, अच्छे से पढ़िए और साइड बाय साइड इसके नोट्स भी प्रिपेयर करते हुए चलिए, तो क्योंकि ये आपको एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगा। तो थैंक यू।